तो गाइस सबसे पहले आपको दो मिर्ची, जितना भी आपको बॉम्ब बनाना है उतना मिर्ची लेना, बाद में पेपर ले लेना है, ठीक है? कौन सा भी पेपर चलेगा, न्यूज़पेपर, पेपर मतलब नोट पेपर, सब कुछ भी चलेगा आपके पास, जो पेपर है उसको लेना है। और मीडियम साइज में, मैंने बीच में से एक पेपर लिया नोटबुक का, और उसको मीडियम साइज में आपको चार जगह पर कट लगा लेना है। तो एक ही साइज पर मैं यहाँ पर चार पीस बना लेता हूँ, ठीक है? अब भी इसे इसी तरह आपका जिस हिसाब से चाहिए, जिस हिसाब से मिर्ची बॉम बनाना है, उस हिसाब से आप इसे चार पीस या पाँच पीस जितना बनाना है आपको मिर्ची बॉम उतना बना लेना, ठीक है? इसके बाद में हम यहाँ पर और एक पेपर लिए हैं, और इसके ऊपर हम जितने भी मसाला बनाना है बसाएंगे। एक हमने एक मैश बॉक्स लिया, उसके जितने भी मैश स्टिक है सारे में से हम बारूद निकालेंगे इसका, ठीक है? तो जितने भी आपको यहाँ पर बॉम्ब बनाना है उतना आपको यहाँ पर स्टिक मतलब बारूद निकालना स्टिक से, ठीक है? तो मैं चलो कुछ बारूद जल्दी से वीडियो को स्किप करता हूँ और कुछ बारूद निकाल के शॉर्ट करता हूँ, निकाल के रखता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा बारूद निकाल गया, उसको अच्छी तरह से आपको मसाला मिक्स करना है। इसके बाद में मैच बॉक्स का जो ऊपर का बारूद में जहाँ पर रगड़ने से आग लगता है, वहाँ पर आपको इस सारे बारूद को निकाल लेना है, ठीक है? निकालने के बाद अच्छा से फिर मिक्स करके इसे इसी तरह पेपर में, जो पेपर आपने कट किया था उसी में अच्छा से इसे ले लेना है, ठीक है? लेके एक बत्ती, ये बत्ती अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैं पहले ही बोला, कमेंट करिए, मैं इसका भी एक वीडियो ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा। और इस बत्ती को बीच में यहाँ पर इसके साथ अटैच करके मिला के आपको इसी तरह पेपर को मोड़ लेना है, ठीक है? अच्छी तरह से। इसके बाद में आपको जो काम करना है, आपके पास कौन सा भी टेप रहे घर में, ठीक है? मेरे पास ये वाला टेप है, आपके पास जो भी टेप है चलेगा, काला नॉन कलर कुछ भी ट्रांसपेरेंट चलेगा। और इसे अच्छी तरह से टेप से चारों तरफ से कवर होना, क्योंकि इसी जगह बारूद जलेगा और प्रेशर में ये फूटेगा, ठीक है? तो इसी जगह आपको पैक बढ़िया होना है, ठीक है? दो तीन लेयर में पैक करिए। पैक करने के बाद आपको फिर से बस और कुछ भी नहीं, जितना बॉम्ब बनाना है आप बना के पूरा रेडी कर लेना है, ठीक है? पैक, इतना पैक आपको बनाना है। फिर मिर्ची लेना है, मिर्ची लेके उसका ऊपर का जो लेयर है इसका मुंह का वो निकाल लीजिए आप ऐसे किसी भी छुरी की मदद से। और मैं इसका अंदर का पूरा जो उसका बीज है वो सारा निकाल लेता हूँ, ठीक है? इसको पूरा ब्लेंक करना है हमें, मिर्ची का फ्रेम चाहिए खाली। इस मिर्ची का फ्रेम में हमें जितना भी हमने पटाखा बनाना है सारा हम इसी तरह इसको पैक कर देंगे, ठीक है? पैक करके उसका मुंह हम किसी भी तरह या ऐसे सेम टेप से हम इसको मुंह बंद कर देंगे, ठीक है? और अब हमारा पूरा रेडी है। तो गाइस फाइनली हमारा मिर्ची बम बनके तैयार हो गया, अब बस इसकी टेस्टिंग बाकी है। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, अब हम इसकी टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक मिर्ची बम को यहाँ पर इसको हम प्लेस कर देंगे, ठीक? तो गाइस ये पहले हम इसको यहाँ से, पहले ये हमारे पास लाइटर है और हम इसको यहाँ पर पहला फास्ट टेस्ट है हमारा पहला वाला। तो गाइस आपने देखा जैसे ये पहला वाला बहुत बढ़िया धमाका था। अब हमारे हाथ में तीन और भी है, ठीक है? तो ये दूसरा वाला हम आपको दिखाते हैं चला के, ठीक है? ये दूसरा वाला है। तो गाइस आपने देखा दूसरा वाला भी ऐसे ही धमाका चला, मस्त वाला। तो अभी हमारे पास रिमेनिंग टू बचा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी अगर फिर से हम चला के दिखाएंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बस सिंपल है ऐसा ही, फिर भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर देखो मिर्ची फुटके जैसा हालत है, ठीक है? तो ये भी ऐसे ही चलता है, ये एक हाथ में है, ये तीसरा वाला टेस्ट है हमारा। तो गाइस इसी तरह ही हमारा ये सारे मिर्ची बम काम कर रहा है, एकदम धमाकेदार। तो आप इसे जरूर घर में टेस्ट कर सकते हो, और हाँ बच्चों से दूर रखना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक लीजिए दीजिए, थैंक यू। इस वीडियो में हम बनाने वाले एक बॉल क्रेकर्स, बॉल बम, ठीक है? तो इस बम को आप बना के अपने दोस्तों को दिवाली में बहुत अच्छे शौक दे सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को बनाने की शुरू करते हैं, इस बम को बनाना शुरू करते हैं। और हाँ एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए, क्योंकि इसी तरह की प्यारा सा वीडियो आपको इस सीजन पर मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ले लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल, ठीक है? एक टुकड़ा जिसमें हम इस बारूद को हमारा जो भी मसाला उसे जमा कर सके। तो हम इसे यहाँ पर रख देंगे, और हम लेंगे आप एक मैचेस, ठीक है? और मैच बॉक्स से सारे जितने भी स्टिक है मैच स्टिक हम उसको लेंगे यहाँ से, और निकाल के हम क्या करेंगे, हम इसकी जितने भी बारूद है सामने का, ठीक है, स्टिक का, वो सारे हम निकाल के इस फॉइल पर रख देंगे, ठीक है? हमें सारा निकालना है क्योंकि ये बड़ा धमाका वाला होना चाहिए, बड़ा वाला फटाका होना चाहिए, तो इसलिए हम सारे निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम सारे जितने भी है हम सारे को धीरे धीरे निकाल लेते हैं, ठीक है? और निकालने के बाद अब जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ पर हम एक ओल्ड बैटरी लेंगे, और बैटरी के अंदर की जो जले हुए ये रहता है काला काला सा चाय, हम उसे पूरा निकालेंगे, ठीक है? उसको निकाल के कुछ मात्रा में हमें इसको जमा करना है। फिर भी अगर कम पड़ जाए तो और भी, हम थोड़ा सा यहाँ पर कम पड़ा था इसलिए सारे और एक मैचेस के हमने जमा किया। उसके बाद में मैच की जो घिसाई करने वक्त जब आग लगता है तो उस बारूद को हम यहाँ पर निकाल के इसमें डाल रहे हैं, ठीक है? एक मैच बॉक्स का आप डाल दीजिएगा इसमें, नहीं तो फिर उसमें जो रिएक्शन वो नहीं मिलेगा आपको। तो इसको हम डाल देते हैं, ठीक है? डालने के बाद अब दोनों साइड का बराबर से हमने डाल दिया। डालने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है? मिक्स करने के बाद हम लेंगे एक बॉल, ठीक है? नॉर्मल सा कौन सा भी एक बॉल ले सकते हो आप, बॉल लेके, क्योंकि स्पेशल होने वाला है तो बॉल बहुत जरूरी है इसमें। तो हम इसको बॉल लेके हम इसको यहाँ पर एक कट लगाएंगे, ठीक है? और कट को कैसे फील करना आप आगे देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना करना, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमने इसको हम कट लगा दिया, हम इसको रखेंगे, और हमने जो फॉइल पे जो मसाला रखे थे हमारा, उस मसाले के साथ में हम इसको एक मतलब राउंड शेप में हम इसको, जैसे पटाखा क्रेकर्स होता है नॉर्मली, हम उस शेप से उसको यहाँ पर इसको बना देंगे। और ये वाला जो बारूद का ये जो ये है मतलब इसको टिकली बोलते हैं आप, अगर इसको बनाना नहीं आता तो जरूर कमेंट करेंगे, हम इसका भी बना के आपको वीडियो डाल देंगे। तो इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से यहाँ मुंह बंद कर देंगे। और अगर आपके पास ये रहेगा मार्कर रहेगा कुछ भी कैच पेन, तो आप इसको जरूर मार्क करिएगा, क्योंकि इसके अगर मार्कर रहेगा तो केरोसिन जैसा इसमें मतलब आग बुझने का कोई ये भी नहीं है, आग बराबर रहेगा इस ये में। और फिर इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं, ठीक है, इस बॉल के अंदर। फिर हम यहाँ पर अच्छे से ग्लू से चिपका दिया इसको, आपके पास टेप है तो भी आप चिपका सकते हैं। तो गाइस अब ये बन के रेडी हो गया ये बॉम्ब, और अब हम इसे आग लगाने वाले और धमाका दिखाने वाले। तो वीडियो स्किप मत करना, आप इसकी प्रोसेस को जरूर देखना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हम जब रख देंगे
देखो ये एकदम रेडी है, ठीक है दोस्त। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आग लगा। तो गाइस आपने धमाका देख लिया है और अब देखो इस बॉल का कैसा हालत हो गया, और उसके अंदर में जो भी हमने बारूद का जमा किया था वो सारे फटके एकदम चूर चूर हो गया और इसका ये हालत हो गया। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू। तो हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं इंडियन रॉकेट बॉम्ब को, ठीक है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा भी एक मैच बॉक्स चाहिए होगा और साथ ही साथ घर में यूज किया हुआ एक बैटरी होना जरूरी है, ठीक है। और इन दोनों की मदद से हम इस क्रैकर्स को सही तरीके से बनाएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, टोटल स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करोगे तो आपको सारे प्रोसेस आप कहीं पर मिस कर दोगी और फिर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे और फिर आप कमेंट पे आके गाली दोगी। तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो गाइस इसको हम यहाँ पर प्लेस करने के बाद में अब हम करेंगे क्या, फिर से एक मैच बॉक्स लेंगे और मैच बॉक्स का एक किला निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर आग लगा देते हैं। गाइस आप लोग बड़ा होशियारी से करिएगा और कोई आप लोग रिक्स मत उठाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी यहाँ पर बारूद को आग लगा देते हैं। तो गाइस आपने देखा होगा, बस ये बोतल रह गया और ये कहाँ तक कहाँ से उड़ के गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो बस ये डेफिनेटली काम करता है, आप लोग इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, बट पूरा सेफ्टी प्रोसेस के साथ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। दोस्तों में वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा जिनको ये सब बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है, क्लिक कर सके वगैरह। और हाँ, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू। गाइस ये हमने बनाया बोतल का कैप बॉम्ब, ओके। तो इस कैप बॉम्ब को बनाने के लिए बड़ा इजी प्रोसेस है, आप दिवाली में इसे घर में इजी ट्राई कर सकते हो। इसमें घर में कुछ बनाया हुआ रेसिपी से हम इसे बनाएंगे, और इससे सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा एक मैच बॉक्स की, और दूसरा जरूरत पड़ेगा आपके घर में जो भी टूटा फूटा बैटरीज रहता है, ठीक है, पुराना वाला, नया वाला यूज मत करो, इसी को यूज करना, और बोतल का कैप भी आपको पुराना वाला यूज करना है, ठीक है। और बस इस वीडियो में पहले हम आपको इसको बनाने की प्रोसेस दिखाएंगे, ठीक है। इसको आप वीडियो को टोटल स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये प्रोसेस मिस कर दोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कैसे इसको बनाना। चलिए सबसे पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसकी टेस्ट करेंगे।
गाइस हमने इसे यहाँ पर बनाने के बाद प्लेस कर लिया। अब टेस्ट करेंगे, हम लेंगे एक मैच बॉक्स और इसके क्लिप से आग लगाएंगे इसकी बत्ती पर और बस ये डम। तो गाइस ये सक्सेसफुली काम हो गया और बत्ती का वीडियो जो है, बत्ती कैसे बनाया अगर आपको कंफ्यूज है तो आई बॉटम और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।